आज का हमारा लेक्चर है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। कल का मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है। जो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, उसको कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, ठीक है, ताकि एनर्जी रिलीज हो और फिर वो एनर्जी को हम बॉडी में जितने भी प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यूज कर सकें, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है बेसिकली हमारे पास दो तरीके की मिलती है। एक होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरी आती है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ऑटो वर्ड का मतलब है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन। वैसे ही हीट्रो वर्ड मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। सेल्फ वर्ड यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड जो है सेल्फ सिंथेसाइज कर रहा है, सेल्फ प्रोडक्शन कर रहा है, किसकी, फूड की। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है। तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करते फूड के लिए और ये खुद का फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं और उसी फूड को यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट काम को कंप्लीट करने के लिए। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको दो टाइप्स का मिलेगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज योर फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक, ओके, एंड सेकेंड इज योर कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड जो है ये किससे आया है, फोटोसिंथेसिस से। एंड फोटोसिंथेसिस एज यू ऑल नो कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस द प्लांट्स इट यूटिलाइजेस द सोलर रेडिएशन। तो सन की एनर्जी को क्या करते हैं ये लोग, कन्वर्ट करते हैं इनटू, सन की एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है, सिंपल ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये प्रोसेस को डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस आपको बेसिकली किस ऑर्गेनिज्म में दिखेगा, ऑल द ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज जो हैं वो भी ये वाला प्रोसेस जो है ये शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कीमोऑटोट्रॉफिक। सो कीमो ऑटोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी से। तो केमिकली जब केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो है उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड सिंथेसाइज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये आपको किस में दिखेगा, बैक्टीरियाज में। बाकी जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो इस तरीके से कीमो ऑटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हीटरोट्रॉफिक में जैसे कि वर्ड है अदर,
तो अदर वर्ड मतलब यहाँ पे डिनोट कर रहा है अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो यहाँ पे इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करता है फूड. सेल्फ सिंथेसिस जो है ये नहीं है, ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, इट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है. किसके लिए, फूड के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ये डिपेंड करता है. तो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हीटरोट्रॉफ्स. क्या बोलते हैं, हीटरोट्रॉफ्स. सो हीटरोट्रॉफ्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास थ्री टाइप्स में है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स, ठीक है. हर्बीवोर्स वो जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्लांट फीडर भी बोलते हैं. एग्जाम्पल आपके क्या आगे, डियर, ठीक है, और ग्रास ऑपर, काउ एक्सेट्रा. कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स जो मीट पे फीड करते हैं, तो मीट फीडर, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश फीडर्स भी बोलते हैं, यानी कि मांस पे, मांस को खाने वाले. तो इसके एग्जांपल आपके पास क्या है, लायन, टाइगर, लेपर्ड एक्सेट्रा, ठीक है. देन हमारे पास ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स जो प्लांट्स पे भी फीड करते हैं एंड मीट पे भी फीड करते हैं, ठीक है. तो ये दोनों पे फीड करते हैं. इसकी बड़ी एग्जांपल क्या है हमारे पास, ह्यूमन बींग्स, ठीक है. सब कुछ ही खा लेते हैं, खासकर चाइनीज लोग जो कि सब कुछ ही खा रहे हैं आजकल, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है हीटरोट्रॉफ्स की, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप्स. हमारे पास थ्री टाइप्स में आपको हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगी. सबसे पहला इसमें क्या आती है, होलोजोइक. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें कि होल सॉलिड फूड जो है वो खाया जाता है, ठीक है, वो लेते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि पूरा एज ए सॉलिड फूड लेंगे, उसको फिर हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको तोड़ेंगे च्यूई करके, फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे, सिंपलर फॉर्म्स में करेंगे. तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि क्या होता है कि होल फूड इज टेकन, सॉलिड फूड इज टेकन, उसको आप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल्स बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, बिग एनिमल्स हैं, वो आपको मोस्टली ये वाली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. कौन सी, होलोजोइक. और ह्यूमन बींग्स दूसरी एग्जांपल इसकी आगे. नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक या इसको आप लोग सैप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं, ठीक है. सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो किस पे फीड करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे. डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है. तो वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म मरे हुए जानवरों पे या कुछ जो सड़ रहा है उसके ऊपर फीड करे, तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या बोलोगे, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके एग्जांपल्स आपके पास क्या है, वल्चर्स. तो वल्चर्स हमेशा डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही फीड करते हैं. इसमें इसी का एक सब पार्ट है या एक एक्सटेंशन है, जैसे कि आपके जैसे कि नाम सुना होगा आपने, डेट्रीवोर्स, ठीक है. डेट्रीवोर्स और सैप्रोट्रॉफ्स इनमें क्या डिफरेंस है, तो डेट्रीवोर्स भी डेड एंड डिकेइंग पे ही फीड करते हैं,
फिर इनको अलग से क्यों रखा गया, इनका नाम क्यों अलग कर दिया? ये भी डेड एंड डिकेइंग पे है, सैप्रोट्रोफिक भी डेड एंड डिकेइंग पे है, तो नाम क्यों अलग अलग फिर दोनों के? वो इसलिए क्योंकि जो डेट्रीवोर्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर, अंडर द ग्राउंड, ठीक है, अंडर द ग्राउंड जितने भी आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर जो फीड करेगा वो होंगे आपके क्या, डेट्रीवोर्स। तो इसकी एग्जाम्पल आपको क्या मिलती है, अर्थवॉर्म। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस, कि एक जो है वो जमीन के ऊपर डेड एंड डिकेइंग पे फीड कर रहा है, जो जमीन के ऊपर है, और एक जो जमीन के अंदर डेड एंड डिकेइंग है उस पे फीड कर रहा है। तो जो अंदर वाले जमीन के नीचे वाले डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, डेट्रीवोर्स। और जो ऊपर वाले पे कर रहा है, एस फॉर सरफेस, ठीक है, ऐसे याद रखो, एस फॉर सरफेस, तो यानी कि सरफेस यानी जमीन के ऊपर जितने भी हैं उन पे फीड कर रहे हैं, डेड एंड डी मतलब डाउन मतलब अंदर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि कौन से जो है वो जमीन के अंदर वालों पे फीड करते हैं, कौन से जमीन के ऊपर वाले पे फीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट कैटेगरी जो है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं पैरासाइट, तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, इजिली विजिबल नहीं होता है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये फीड करते हैं किसके ऊपर, एक होस्ट बॉडी के ऊपर, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, जो जनरली बिगर ऑर्गेनिज्म होगा उसको आप होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलोगे। पैरासाइट जो है वो दो बेनिफिट्स लेता है होस्ट से, फर्स्ट बेनिफिट उसका क्या है, फूड का, दूसरा उसका बेनिफिट क्या है, शेल्टर का, तो मतलब खाने की जगह और उसी के साथ साथ रहने की जगह भी ये पैरासाइट किससे लेगा, होस्ट से लेगा। पैरासाइट जो है वो जनरली क्या, डाइजेस्टेड फूड लेता है होस्ट बॉडी से, क्यों, क्योंकि पैरासाइट जो है वो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बस इतना कम्प्लेक्स नहीं होता है कि उसके पास पर्टिकुलर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो और वो डाइजेस्ट कर सके पूरे चीज जो भी मटेरियल है, फूड है उसको। इसलिए वो क्या करता है कि होस्ट बॉडी, होस्ट मशीनरी क्या करती है कि जैसे अब होस्ट ने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया, फिर पैरासाइट्स ने क्या करना है, वही डाइजेस्टेड फूड जो है वो ले लेना है, ठीक है। पैरासाइट्स बेसिकली हमारे पास दो टाइप ऑफ पैरासाइट्स मिलते हैं, एक होते हैं एंडो पैरासाइट्स और एक होते हैं एक्सो पैरासाइट्स, ठीक है, एंडो एंड एक्सो। एंडो वर्ड का मतलब इनसाइड, तो जो इनसाइड द होस्ट बॉडी प्रेजेंट होंगे पैरासाइट्स उनको हम कौन से बोलेंगे, एंडो पैरासाइट्स, और जो आउटसाइड द होस्ट बॉडी पैरासाइट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सो पैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स के आपके पास एग्जांपल है टेपवर्म, राउंड वर्म्स, या आपने इनके बारे में पिछले क्लास में नाइन्थ में डाइवर्सिटी यूनिट में पढ़ा होगा, टेपवर्म्स कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, राउंड वर्म्स कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं। ये जनरली हम लोग जब कहते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो ये वो टाइप ऑफ, ये वही ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी का डाइजेस्टेड फूड जो है वो सक कर लेते हैं, ये आपके क्या आगे, एंडो पैरासाइट्स। एक्सो पैरासाइट्स में आपकी एग्जाम्पल्स आती हैं लीचेस की, लाइसिस की, टिक्स की, माइट्स हो गए, जुए, लीच, ठीक है, आपके खटमल, ये सब इसमें आते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि लाइसेंस होगी, जुए होगी, ये सिर के ऊपर रहती हैं, तो बॉडी के ऊपर रहती हैं, फिर वहां से ब्लड जो है वो सक करती हैं, ठीक है, तो खून चूस लेती हैं इंसान का, इसीलिए ये क्या है, एक्सो पैरासाइट्स है, तो ब्लड से न्यूट्रिशन ले रही है। वैसे ही लीचेस भी कहीं चिपक जाए तो वहां से वो अपने सकर्स यूज करके तो पूरा ब्लड जो है वो सक कर लेती है, वैसे ही
जो आपके खटमल होते हैं बेड्स के बीच में आपको जनरली मिलते हैं, ये तो ये क्या करते हैं कि बेड जब आप सोते हो तो रात को ये आपको बॉडी पे काटेंगे, वहां पे सकर्स अटैच करेंगे, वहां से क्या करते हैं फिर सक करते हैं आपकी बॉडी से ब्लड, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन जो है वो खींच लेता है। तो ये एंडोपैरासाइट्स हुए जो कि क्या करते हैं, एंडो और एक्सोपैरासाइट्स हुए जो कि क्या करते हैं होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन यानी डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली लेते हैं और साथ ही वहाँ पे रहते भी हैं, शेल्टर भी लेते हैं। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है न्यूट्रिशन का, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का, ये ओवर होता है। कल हम